जो अच्छी आदतें नहीं डालता, यकीन जानिए बुरी आदतें उसे डालनी नहीं पड़ती, स्वतः लग जाती है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के हम प्रश्न देख रहे हैं, व्याख्या सहित देख रहे हैं, और यकीन जानिए परीक्षा तक इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपके परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आने की संभावना यहीं से देखने को मिलेगी, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आज के इस वीडियो में, अंधेर नगरी नाटक किसका है? अंधेर नगरी नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सुरेंद्र सिंह का, सुरेंद्र वर्मा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है जो अंधेर नगरी नाटक है। तो सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी नाटक है। इनके हम अन्य नाटकों की अगर बात करें, इन्होंने वैसे तो ज़्यादातर जो अंधेर नगरी नाटक लिखा है, इस पर इसमें जो मूर्खता है राजा की, उसकी जो अन्याय करता है वो अपने राज्य के अंदर, उस पर है जो व्यंग्य किया गया है। अन्य नाटकों में हम देखें तो वेद की हिंसा हिंसा न होती, कौन सा है? वेद की हिंसा हिंसा न होती। एक नाटक तो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसका समय भी आप ध्यान रख लेना, 1873। समय कितना है? 1873। इसके अतिरिक्त एक नाटक पूछा जाता है, विषस्य विषमौषधम्, विषस्य विषमौषधम्, ये पूछा जाता है। इसका समय अगर ध्यान में रखो तो आप 1876, 1874। वहीं प्रेम जोगिनी, प्रेम जोगिनी जो नाटक है इसका है आपके 1875। इसके अतिरिक्त चंद्रावली आता है एक नाटक। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं भारत दुर्दशा, जो कि कई बार पूछा गया, भारत दुर्दशा इसका ध्यान में रख लेना, 1880। भारत दुर्दशा कई बार पूछा गया। इसके नील देवी है, सती प्रताप है जो कि अपूर्ण है, और जो अंधेर नगरी जिससे हमने प्रश्न बनाया इसका समय हमें देखने को मिलता है 1881। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881। इनके अतिरिक्त वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, विशिष्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावती, भारत दुर्दशा वगैरह इनके नाटक हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये जो संवाद है ये चंद्रगुप्त नाटक किस पात्र का है? वररुचि का, चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, या फिर राक्षस का? कई बार पूछा गया, उस सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का। ठीक है, और हम बात करें चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है इसके, तो जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद है जो इसके लेखक हो जाएंगे। प्रसाद के अन्य नाटकों की हम बात करें तो सज्जन, इसके अतिरिक्त कल्याणी, सज्जन, कल्याणी परिणय, इसके अतिरिक्त बात करें करुणालय, बहुत बार पूछा गया करुणालय को, राज्यश्री ये भी पूछा गया है, सिंगल दे दिया कि राज्यश्री किसका नाटक है, किसकी कृति है, विशाख, अजात शत्रु, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे के सारे जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला सवाल देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी ने नाटकों का सही अनुक्रम क्या रखा है? प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? हानुष, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर।
माधवी हानुष रंग दे बसंती चोला आलमगीर, या रंग दे बसंती चोला फिर आलमगीर फिर हानुष फिर माधवी, या फिर चौथा विकल्प आलमगीर फिर रंग दे बसंती माधवी हानुष। कौन सा विकल्प है जो प्रकाशन काल की दृष्टि से सही है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए अपना। कौन सा? ए। ए कैसे हो जाएगा देखते हैं। जो हानुष है इसका हमें समय देखने को मिलता है 1977। कितना? 1977। इसके बाद में माधवी आया 2 नंबर पर, तो माधवी का हमें मिलता है 1984। तो 77 के बाद में 84। फिर रंग दे बसंती चोला इसका हमें मिलता है 1996, 1996। और इसके बाद में आलमगीर का मिलता है 1999। ठीक है, 77, 84, 96 और 99। इस प्रकार से ये भीष्म साहनी के नाटक हो जाएंगे और ए विकल्प यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। गीति नाट्य को बताना है आपको, अग्निलेख, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। तो बताइए क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएंगे गीति नाट्य, या ए और बी, या ए और डी, या फिर डी ए और सी। कौन सा विकल्प है जो हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या? बी, यानी कि ए और बी, अग्निलेख और उन्मुक्त। अग्निलेख और उन्मुक्त क्या हो जाएंगे दोनों? अग्निलेख और उन्मुक्त क्या हो जाएंगे? गीति नाट्य हो जाएंगे, जबकि नेपथ्य राग जो है यह है नाटक। नेपथ्य राग क्या है? नाटक हो जाएगा। और त्रिशंकु जो है ये निबंध हो जाएगा। त्रिशंकु क्या हो जाएगा? त्रिशंकु है जो निबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें आगे तो यहाँ पर देखिए कुछ और मैं बता देता हूँ जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इधर तो लिख रहा हूँ मैं नाटककार, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नाटककार, और सामने लिख रहा हूँ उनके नाटक। ये दो चार बताऊंगा मैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन है? आगे प्रश्नों में हम और देखेंगे इनके। सुरेंद्र वर्मा, इनका जो सेतुबंध नाटक है वो कई बार पूछा जाता है। कौन सा? सेतुबंध। आगे मैं बात करूं तो ये शंकर शेष, शंकर शेष का है जो कई बार पूछा जाता है। कौन सा? शंकर शेष का पूछा जाता है पोस्टर, पोस्टर पूछा जाता है। दया प्रकाश सिन्हा है, दया प्रकाश सिन्हा का एक इतिहास चक्र है। कौन सा है? इतिहास चक्र। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। पहली बार अगर देख रहे हो तो कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करो, और घंटी आएगी उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वगैरह सूचना वगैरह का डालता रहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का भी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और मार्केट में अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर किताब भी उपलब्ध है। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, सेकंड ग्रेड हिंदी की 50% छूट के साथ। आप चाहें तो जुड़कर अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।